बिहार से लेकर बंगाल तक हुई हिंसा के पीछे किसका हाथ? बिहार में लोग घर छोड़कर जाने को मजबूर क्यों हुए? और पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा का सच दिखाने पर हावड़ा के कमिश्नर को गुस्सा आया। उपद्रव से जुड़ी खबरों के लिए देखिए नफरत की आग टॉप 9। बिहार के सासाराम में रामनवमी के मौके पर हुई हिंसा के बाद फिलहाल शांति है। पुलिस ने फ्लैग मार्च करके लोगों के बीच भरोसा बनाने की कोशिश की है। पुलिस ने लोगों से अफवाहों से बचने की सलाह दी है। टीवी 9 संवाददाता रुपेश कुमार ने मौके का जायजा लिया। किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें। सासाराम में हुई हिंसा के दौरान दंगाइयों ने जमकर लूटपाट की। लूटपाट का नया वीडियो सामने आया है, जिसमें दुकानों में तोड़फोड़ करके उपद्रवी सामान को लूटते नजर आ रहे हैं। हिंसा से डरे लोग अब यहां से पलायन कर रहे हैं। लोग घरों पर ताला लगाकर रिश्तेदारों के यहां पर जा रहे हैं। देखिए इस घर में किस तरह से तीन तीन ताले यहाँ पर लगे हुए हैं। ये घर भी यहाँ से जो लोग हैं वो दहशत के मारे यहाँ से पलायन कर चुके हैं। यहाँ पर ताला बंद है, लेकिन किस तरह से यहाँ पर बाहर आग लगी हुई है, अंदर भी आग लगाई गई थी, तमाम चीजें जलकर खाक हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में कल हुई हिंसा के बाद आज शांति है। भारतवर्ष संवाददाता प्रत्युष खरे ने ग्राउंड जीरो पर ताजा हालात का जायजा लिया। और इस गैरेज में जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी उन सबको उपद्रवियों ने और उस हिंसक भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। नालंदा में उपद्रवियों ने शहर के सिटी पैलेस में मैरिज हॉल को भी जलाकर राख कर दिया। पुलिस ने करीब 30 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। न जाने कितनी यहाँ पर शादियों की पार्टियां हुई होंगी, बर्थडे पार्टियां होंगी। अब जरा उसी स्पेस की जरा तस्वीर देखिए उस हॉल की कि क्या हालत हो गई है। बिहार में सासाराम और नालंदा में हुई हिंसा पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा, दोषियों पर जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमित शाह के सासाराम दौरा रद्द होने पर नीतीश कुमार ने कहा, किसी भी केंद्रीय मंत्री के दौरे में सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार निभाती है, वो क्यों नहीं जा रहे वो ही जाने। टीवी 9 भारतवर्ष और पश्चिम बंगाल का सच दिखाने पर हावड़ा के पुलिस कमिश्नर प्रवीण त्रिपाठी भड़क गए। संवाददाता विपिन चौबे की रिपोर्टिंग से काफी नाराज दिखे पुलिस कमिश्नर। किस बात से मुझसे नाराज? स्टेशन में आ जाएगा, चले आपके साथ चले, बुला लेंगे ना। हाँ। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हुई हिंसा के दौरान पंचशील अपार्टमेंट में घुसे दंगाई के उत्पात मचाते सीसीटीवी वीडियो सामने आए हैं। और कल तीन घंटों में इन लोगों के चेहरों पर दहशत देखिए, कल तीन घंटे इनके लिए कितने भारी। ये पहले से प्री प्लान था, ये ममता जी के संरक्षण में हुआ है, क्लियर इस चीज का हम लोग को सबको मालूम है। हावड़ा में हुई हिंसा के दौरान नमाजी पुलिस के सामने हिंसा करते नजर आए। पुलिस दंगाइयों के सामने मूक दर्शक बनी रही, हिंसा की जांच सीआईडी कर रही है। इस मामले में पुलिस ने एक और केस दर्ज किया है। आज शांति के बाद भी लोग डरे हुए हैं। शिवपुरी इलाके में करीब 90% दुकानें बंद हैं।